दीक्षिता जैन कक्षा 12वीं में रतलाम जिले में प्रथम और प्रदेश में पांचवा स्थान रहा है। बता दें, दीक्षिता जैन रतलाम के उत्कृष्ट स्कूल की छात्रा हैं। प्रदेश में 12वीं और 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं। वहीं रतलाम जिले की दीक्षिता जैन ने कला संकाय में जिले में प्रथम स्थान और प्रदेश में पांचवा स्थान हासिल किया है। वहीं इसी मौके पर स्कूल में परिवार ने खुशियां मनाई और वहीं 10वीं कक्षा के अक्षत भावसार 9वीं रैंक पाई है। दोनों ही छात्र उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र हैं। टारगेट तो मैंने 10th क्लास से ले लिया था, क्योंकि 10th क्लास में कोरोना की वजह से जनरल प्रमोशन मिला था और उस साल मैंने मतलब मेरिट में आने के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करी थी, पर मेरिट लिस्ट जारी भी नहीं हुई थी और जनरल प्रमोशन मिला था, तो तभी से मैंने टारगेट ले लिया था। और 12th में भी मैंने स्टार्टिंग से ही रेगुलर पढ़ना स्टार्ट करा। जब से स्कूल स्टार्ट हुए थे मैंने पढ़ना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया था और मैं डेली स्कूल के अलावा भी 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करती थी। जो स्कूल में होमवर्क देते थे वो भी डेली का डेली करती थी, इसलिए एग्ज़ाम समय में मुझे कोई प्रेशर भी नहीं रहा और मेरी एग्ज़ाम भी प्रॉपर तरीके से हो गई। क्या अगला लक्ष्य आपका आगे इसके बाद? अगला मैं UPSC के एग्ज़ाम देना चाहती हूँ और IAS बनना मेरा लक्ष्य है। सहयोग तो मिला है, लेकिन किस तरह की कठिनाई है जो पढ़ाई के अंदर आती है, बच्चे किस तरीके से स्ट्रेस ले लेते हैं, वो नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में? स्ट्रेस तो तब आता है जैसे अपन स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करते और एग्ज़ाम के समय में बहुत ज़्यादा मतलब 10 से 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देते, तो उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है और उस स्ट्रेस के कारण अपना पेपर भी बिगड़ जाता है। इसलिए मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करें। स्टार्टिंग से 5 से 6 घंटा डेली पढ़ेंगे तो कोई स्ट्रेस भी नहीं रहेगा और इजीली आप एग्ज़ाम अपनी क्लियर कर सकते हैं। बच्चों में कोचिंग को लेकर एक नई प्रथा शुरू हो गई कि बिना कोचिंग के जो है वो पढ़ाई नहीं कर सकते, इसके लेकर के आप क्या कहेंगे? कोचिंग तो मैंने बिना कोचिंग के ये लक्ष्य हासिल करा है और मैं यही कहना चाहूँगी कि कोचिंग एक मार्गदर्शन है, पढ़ना तो अपने को ही पड़ता है, इसलिए कोचिंग करो नहीं करो वो भी बात है अपनी, पर पढ़ना तो अपने को ही पड़ता है। मैं श्रेय अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, मेरे पापा को, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, वो भी टीचर रह चुके हैं तो उन्होंने भी मुझे पढ़ाया, तो मैं टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को इसका श्रेय देना चाहूँगी। ब्यूरो रिपोर्ट।